डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना विच डील्स विद कलर्स। अब कलर्स क्या होते हैं, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। लाइट एनर्जी जो ट्रैवल करती है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन। कभी हम उसको स्टडी करते हैं रे के फॉर्मेट में और कभी स्टडी करते हैं वाइब्रेशंस के फॉर्मेट में। तो लाइट की एनर्जी में वाइब्रेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो ट्रैवल करते हैं और उस वाइब्रेशन से वेव बनती है। उसको डिटेल में हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, पर ये हम सोच सकते हैं कि लाइट एनर्जी में वाइब्रेशंस होते हैं। और लाइट जब ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट पाथ में, तो उसके वाइब्रेशंस हैं जो ट्रैवल करते हैं। अब ये जो वाइब्रेशंस होते हैं, लाइट की वेव बनाते हैं, तो उस वेव में एक स्पेशल फिनोमिना होता है, और वो हर वेव में, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। ओके, उसी तरह से एक सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेशन होंगे वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज वेवलेंथ और एक सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इज फ्रीक्वेंसी। तो लाइट में भी वेवलेंथ भी होती है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। ओके, हम लोग रे ऑप्टिक्स में जब स्टडी करते हैं तो हम इसको वेव और फ्रीक्वेंसी की जगह हम वर्ड यूज करते हैं कलर्स। बेसिकली पहले जब हम वेव के फॉर्मेट में लाइट को नहीं पढ़ते थे, तो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट्स होती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो लाइट्स होती हैं, वो हमारे ब्रेन में डिफरेंट टाइप का वाइब्रेशन पैदा करती हैं। उसका जो हमको एक फीलिंग होती है, जो इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट का नाम हमने रखा कलर। एक लाइट आई कम फ्रीक्वेंसी की, ऐसे, तो हमको कुछ सेंसेशन होगा, उस सेंसेशन का नाम हमने रखा रेड। उस सेंसेशन को हम शेयर करते हैं कि उसको देखो कैसा लगा, रेड लगा, तो आपने याद कर लिया कि उसको देखेंगे तो रेड लगता है, इसको देखो ब्लू लगा, तो ये सेंसेशन हमने याद कर ली। बेसिकली रेड और ब्लू कलर किससे पैदा होते हैं, लाइट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो हम ये मानते हैं शुरू में कि वेवलेंथ डिफरेंट होने से कलर डिफरेंट होता है। बाद में हमने जाके इसमें थोड़ा सा चेंज किया कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से कलर डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन लाइट का डिफरेंट सेंसेशन, उसका नाम हमने क्या रखा, डिफरेंट कलर। ठीक, तो ये जब डिफरेंट कलर्स हमको दिखते हैं अपने नेचर में चारों तरफ, हरा पीला लाल नीला, ये हमने उन सेंसेशन के नाम रख दिए। लाइट ये कलर क्यों होते हैं, तो आंसर है किसी भी ऑब्जेक्ट से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आती है, हमारी आंख में जाती है, वो जो सेंसेशन करती है उसका हमने नाम कर दिया ब्लू रेड समथिंग। किसके कारण, उस लाइट के कारण। अगर उस वेवलेंथ की बजाय उस वेवलेंथ से लाइट आएगी तो हमको सेंसेशन को हम क्या बोलेंगे, रेड। इधर से आएगी तो क्या बोलेंगे, ग्रीन। इस तरह से डिफरेंट लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर्स। और लाइट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, और लाइट में किस चीज का डिफरेंस होता है, तो आंसर है लाइट में वेवलेंथ का डिफरेंस होता है। क्या चीज उनमें एक समान होती है, आंसर है वेलोसिटी एक समान होती है। वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, सब में एक समान होती है। तो अब जब कोई लाइट एक सोर्स से, सन से आ रही है, उसमें कौन सा कलर होता है, तो उसको हमने स्टडी किया
दैट दिस लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी लाइट्स विच हैव गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस, दैट मीन्स मेनी लाइट्स विच हैव गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ. उसमें हमको एक ऐसी भी आ रही है और इसके साथ एक ऐसी आ रही है, इसके साथ एक ऐसी भी आ रही है. सो दिस इज ब्लू, दिस इज रेड, दिस इज येलो. ये अगर ये अकेले आती तो ये वाला इफेक्ट देती हमारी आंख में, ये आती तो ये वाला इफेक्ट देती, और ये लेंथ आती तो येलो इफेक्ट देती, और अगर सब एक साथ आएंगी तो सब एक मिक्स्ड इफेक्ट देंगी. उस मिक्स्ड इफेक्ट में हम एक के इफेक्ट को पहचान नहीं पाते. उस मिक्स्ड इफेक्ट का नाम हमने रखा वाइट. तो जो चीज हमको वाइट दिखती है उसमें बेसिकली क्या होती है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी वेवलेंथ्स. उसमें हमको अलग अलग कलर क्यों नहीं दिखता है, आंसर है क्योंकि हम एक को दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए हमको अलग अलग कलर नहीं दिखता. सो सबका मिलाकर रिजल्ट क्या निकला, दैट वाइट लाइट विच वी सी इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी लाइट रेज, एंड ऑल दीज लाइट वेव्स और लाइट रेज हैव गॉट डिफरेंट वेवलेंथ, दैट इज व्हाई, एंड द कंबाइंड इफेक्ट इज वाइट. ठीक है, हमको पता कैसे चला कि ये जो वाइट है ये कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन का पता हम तब लगा सकते हैं, वी कैन फाइंड इट आउट इफ वी आर एबल टू सेपरेट देम. अगर हम उनको सेपरेट करें और वो अलग हो जाए, देन वी विल से इट्स ए कॉम्बिनेशन, और अगर सेपरेट नहीं कर सकेंगे देन इट इज नॉट ए कॉम्बिनेशन. तो उसके लिए हमने देखा एक्सपेरिमेंट करके, एक मीडियम हमारे बहुत काम में आता है एंड दैट मीडियम इज प्रिज्म. प्रिज्म की स्पेशलिटी क्या होती है, प्रिज्म की स्पेशलिटी है इट कैन डेविएट ए रे. अगर लेंस भी अपने पाथ से डेविएट करता है, इट इज बिकॉज इट्स शेप इज प्रिज्म. ये लेंस है, ये ऐसा लेंस बनेगा, तो देखिए ये क्या चीज है, प्रिज्म. तो बेसिकली लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी प्रिज्म. ये देखिए ये दोनों में ऐसा इंक्लिनेशन है, सो दिस इज ए टू सर्फेसिस ऑफ प्रिज्म, दिस इज टू सर्फेस ऑफ प्रिज्म, दीज आर टू सर्फेस ऑफ प्रिज्म, और नीचे वाले उल्टी उल्टा प्रिज्म. सो दैट इज व्हाई इट कैन गिव द एक्शन ऑफ प्रिज्म. Now, the action of prism is deviation from the path. अब ये जो deviation of the path है, इसमें हमने देखा अभी free space में, air में, sun से जो rays आ रही हैं, वो सब एक speed से आ रही हैं और सबकी speed एक जैसी है. इनिशियली ये याद रखिए, एक जैसी स्पीड से आती हैं, हमारी आईज में आती हैं, सेंसेशन करती हैं, दैट सेंसेशन कॉम्बिनेशन इज वाइट. बट व्हेन दे एंटर ए मीडियम देन देयर वेलोसिटी चेंज. ओके, हमने एक्सपेरिमेंट ये किया कि यहां पर हमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई, दिस इज व्हाइट. यहां पर हमने फोकस करने के अरेंजमेंट लगाए एंड व्हाट वी ऑब्जर्व, ये ऐसे और ऐसे. सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज, अगर हम यहां पर फोकस करने के अरेंजमेंट करते हैं तो यहां पर हमको जो स्क्रीन पर लाइट मिलती है उसमें हमको डिफरेंट कलर्स की लाइट मिलती है. हियर वी सी येलो and here we see violet and here we see red then orange green indigo and violet. तो यहां पर हमको ये different colors मिलते हैं. Yeah.
सबको हमने फोकस कर दिया. वी सी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो एंड वायलेट. और ये इसका ओरिजिनल पाथ है. अब रिफ्रैक्शन के लिए हमने एक फिनोमिना पढ़ा है. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेसिकली व्हेन ए लाइट एंटर्स अ डिफरेंट मीडियम देयर इज ए चेंज इन इट्स स्पीड. दिस फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन. और स्पीड चेंज होने के कारण व्हाट हैपेंस ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड, इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ. उसमें फिर हम साइन आर लेते हैं दैट इट हैज डेविएटेड फ्रॉम द पाथ. बट व्हाट इज द बेसिक रीजन? चेंज ऑफ स्पीड. ओके, सो व्हेन इट एंटर्स दिस मीडियम देयर इज ए चेंज इन स्पीड, बट वी फाइंड दैट दीज ऑल दीज एंगल्स आर डिफरेंट. One color, red, it has deviated through this angle. This is deviation for red. But violet has deviated so much. This is deviation of violet. These two are different. Why these two are different? Because of this medium. इसका ये मतलब है कि medium ने दोनों को अलग अलग angle से refract किया है. और अगर different angle से refract किया है तो speed अलग अलग होगी. This gives us a conclusion that different colors have got different speed. तो जब दूसरे enter में दूसरे medium में एक ray enter करेगी and that ray is originally a combination. This is a combination of colors. इस combination में जब ये enter करेगी इसके अंदर, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो 7 type की rays हैं, 7 type के colors हैं, हर एक की velocity अलग अलग change होती है. अगर velocity अलग अलग change होती है तो सबके refraction angle अलग अलग हो जाते हैं. Okay. तो यहां से ही ये स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वायलेट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड. अब म्यू क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर. फॉर ऑल दीज कलर्स दिस इज द आई सिंगल वैल्यू, बट for all these colors we see R is different. R for violet is very less and R for red is large or small. अगर ये large और small है तो mu की value इस light के लिए कौन सी है? तो answer है कि mu की value combination के लिए नहीं होती है. म्यू की वैल्यू एक पर्टिकुलर कलर के लिए होती है. म्यू इज फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर कलर एंड नॉट हैविंग ए सिंगल वैल्यू फॉर ए कॉम्बिनेशन. अब इसमें हमको ये समझ आया, मीडियम इज सेम बट इट्स बिहेवियर फॉर डिफरेंट कलर इज डिफरेंट. इस मीडियम में हमने एक रे को भेजा विच इज कैरिंग ऑल द 7 कलर्स, तो इसने क्या किया, वॉयलेट को ज्यादा डेविएट कर दिया और रेड को कम डेविएट किया. रेड को कम डेविएट किया और वायलेट को ज्यादा डेविएट किया, तो वायलेट ज्यादा मुड़ गया नीचे और रेड कम मुड़ गया. तो ये किसका बिहेवियर है? मीडियम का. एंड मीडियम इज गिविंग ए पार्शियल बिहेवियर. ये सब के लिए अलग अलग बिहेव करता है. तो हमने ये सोचा कि अगर ये अलग अलग बिहेव करता है, अलग अलग मुड़ता है, तो वो उनको पहचानता कैसे है? What should be the characteristic of the light due to which it bends them differently? और हमने देखा कि लाइट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है, वेवलेंथ. सो वी रिलेटेड द टू. इफ ये इसकी वेवलेंथ कैसी है, लार्ज रेड की, तो लार्ज वेवलेंथ होगी तो उसका डेविएशन कम होगा. लार्ज होगी तो कम होगा. तो ये जो डेविएशन है, डेविएशन फॉर रेड इज स्मॉल. अब अगर इसका डेविएशन कम है
यानी मोड़ने की ताकत रेड के लिए कम है तो इसका म्यू भी कम होगा, म्यू कम है इसलिए आर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। म्यू कम है तो ये आर, आर ये होता है, डेविएशन ये होता है। तो रेड के लिए डेविएशन कम, रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा, ये समझ आया? ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज डेविएशन, ठीक है। वायलेट के लिए दिस आर इज स्मॉल, डेविएशन इज लार्ज। सो वी रिमेंबर ए थंब रूल, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द प्रिज्म फॉर विच कलर डेविएशन इज मिनिमम, फॉर रेड फॉर विच कलर डेविएशन इज मैक्सिमम, वायलेट कलर, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट द मटेरियल ऑफ प्रिज्म शो डिफरेंट पावर ऑफ बेंडिंग फॉर डिफरेंट कलर्स, राइट। सो अब इससे हमको पता लग गया फॉर एनी मटेरियल म्यू फॉर रेड ना, इसका रिजल्ट हमने देखा, इसका रिजल्ट हमें ये देखा, डेविएशन फॉर रेड इज लेस डेविएशन फॉर वायलेट। ये हमने एक नोट बनाया ऑब्जर्व करके, और इसके बेसिस पर हमने रिजल्ट क्या निकाला, म्यू फॉर रेड इज स्मॉलर देन म्यू फॉर वायलेट। यानी एक ही मीडियम है, ओनली सेम मीडियम बिहेव्स डिफरेंटली, सो म्यू फॉर रेड इज लेस, म्यू फॉर वायलेट इज मोर। ओके, अब नेक्स्ट बेसिक हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, डिस्पर्शन। सो व्हाट इज डिस्पर्शन? अब डिस्पर्शन पर आते हैं इस बिहेवियर को देखने के बाद। यहां पर ये लाइट हमको व्हाइट क्यों दिख रही थी, इज वॉज इट नॉट हैविंग ऑल द सेवन रेज? आंसर इज येस, इट वॉज हैविंग ऑल द सेवन रेज। लेकिन ये जो सेवन रेज हैं ये सब आपस में पैरेलल थी, कैसे? ऐसे, ये जब ऐसे पैरेलल होती हैं तो हमारी आईज में जब एंटर करती हैं या यहां से जब जाती हैं तो ये आंख में गई, और आंख में जाके जो हमारे ऐसे कोन मिलती है दे गो लाइक दिस। ये कोन है, यानी आंख के अंदर जो सेंस करने वाला सेंसर है ये वो है। इट गोज लाइक दिस 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 दिस, ऑल स्ट्राइक इट, सब इसको स्ट्राइक करते हैं और ये एक कंबाइंड इफेक्ट देता है, और ये इफेक्ट कैसा होता है, व्हाइट। अब जब ये इसमें जाती है तो आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन अलग हो गई, इसकी अलग हो गई, इसकी अलग हो गई, सबकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाती। तो जब इनकी सबकी डायरेक्शन अलग होती है तब यहां से कुछ रेज निकलती हैं, दिस इज रेड, और इसके साथ एक दूसरा कॉम्बिनेशन निकलता है, वो सपोज ये रेड का कॉम्बिनेशन है, एक येलो का कॉम्बिनेशन है, एक ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, इस तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन की रेज निकलती हैं। लेकिन इन सब की डायरेक्शन भी डिफरेंट हो जाती है यहां से, तो रेड की डायरेक्शन ऐसी हो गई और ग्रीन की डायरेक्शन ऐसी हो गई, येलो की डायरेक्शन यहां पर ऐसी है, ये येलो, ये रेड, ये ग्रीन, और ब्लू और वायलेट ये ऐसी डायरेक्शन हो गई। अब क्या होता है कि इसके सामने ऐसा नहीं है कि यहां पर ग्रीन नहीं है, यहां भी ग्रीन है, पर उसकी डायरेक्शन भी कैसी है, उसकी डायरेक्शन भी ये 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 ये, जितने ग्रीन है सबकी डायरेक्शन ऐसी, और जितने रेड है सबकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी, दिस दिस दिस, और जितने वायलेट है सब वायलेट की डायरेक्शन इधर है, यहां भी वायलेट है, यहां भी है, यहां भी है। ये एक मिक्सअप हो गया। इस मिक्सअप के सामने हमने मान लो सपोज
एक लेंस लगा दिया। ये लेंस क्या करता है, सभी पैरेलल रेस को कन्वर्ज करके एक फोकस में लाता है। तो इसने ये जितने रेड थे, रेड 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 रेड, सबका ये डायरेक्शन लिया और सबको यहां पर फोकस कर दिया। तो यहां पर हमको क्या दिखा, रेड। उसके बाद वॉयलेट, ये वॉयलेट, दिस इज वॉयलेट 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 वॉयलेट, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसने इन सबको फोकस किया। यहां पर क्या दिखा, वॉयलेट, रेड यहां, वॉयलेट यहां, येलो, येलो की ये डायरेक्शन थी तो यहां पर ये येलो, इधर का येलो, इधर का येलो, सब येलो यहां जाकर इकट्ठे हो गए एंड वी गेट येलो हियर। रेड सेपरेट, येलो सेपरेट, ब्लू सेपरेट। लेकिन जब हम फ्री स्पेस में ले रहे थे या एयर में ले रहे थे तो ये सभी कैसे थे, पैरेलल, सबकी प्रिंसिपल एक्सिस एक ही थी। यहां पर हमने लेंस लगाया तो इसने इसमें इसके 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 जितने रेड थे सबको कहां फोकस किया, प्रिंसिपल एक्सिस पर। ग्रीन भी इसी प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल एक्सिस ग्रीन के लिए भी है क्योंकि ग्रीन सब ऐसे आ रहे हैं, तो ग्रीन को फोकस किया यहां पर, येलो को फोकस किया यहां पर। ये सब बहुत नजदीक नजदीक हैं, ये पूरा कॉम्बिनेशन एक ही जगह पर बना। और यहां पर हमने देखा क्या कलर दिखा, व्हाइट। स्क्रीन को रखा तो क्या दिखा, व्हाइट एयर में। ये आफ्टर प्रिज्म, क्यों, क्योंकि प्रिज्म ने इनकी डायरेक्शन अलग अलग कर दी। यहां जितने के जितने रेड हैं सभी के रेड ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो रेड की प्रिंसिपल एक्सिस ये बन गई और ग्रीन ऐसे 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 ऐसे, ये तो ग्रीन की प्रिंसिपल एक्सिस ये बन गई। तो ये सब इकट्ठे होंगे यहां आ जाएंगे और ये इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां कौन सा कलर आ गया, ग्रीन। येलो की डायरेक्शन ऐसे, वॉयलेट की डायरेक्शन नीचे, तो वॉयलेट की प्रिंसिपल एक्सिस ये ऐसे। इस तरह से प्रिज्म से निकलने के बाद अगर हम लेंस लगाएंगे तो क्या देखेंगे, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस इधर, इसकी इधर, इसकी ऐसे आ गया और सब ने अपना अपना डॉट बना दिया और हमको मालूम है सब कहां कन्वर्ज होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर। इसका ये मतलब है कि सब ने अपनी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस डिफरेंट डायरेक्शन में बना ली है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस यहां सभी कलर्स की कंबाइंड थी, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रेड, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ग्रीन, दिस इज ऑफ येलो, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 0 डिग्री। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, रेड की डायरेक्शन इधर है और वॉयलेट की डायरेक्शन इधर है, ये ऑल वॉयलेट्स आर हियर, ऑल रेड आर हियर, एंड दिस एंगल इज जनरेटेड। ये जो एंगल जनरेट हुआ है दिस इज डिस्पर्शन। पहले दोनों कलर कैसे थे, पैरेलल, ये ऐसे, और अभी ये दोनों कलर कैसे हो गए हैं, ऐसे, ये इतना और ये इतना, ऐसे और ऐसे। अब इन दोनों में देयर इज ए एंगल डेवलप्ड इन दैट, दैट इज फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन। और ये फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन किसमें होता है, प्रिज्म में होता है, बिकॉज प्रिज्म हैज गॉट टू इंक्लाइंड सरफेसेस। और इसी प्रिज्म से जब लेंस बनता है तो लेंस भी दिखाएगा ये फिनोमिना, ऑफ कोर्स दिखाता है। ओके, सो याद रखिए, व्हाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। एनी लाइट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, इट मे नॉट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स। हमारा जो सबसे कॉमन सोर्स है दैट इज सन, सन से जो लाइट आ रही है उसको हमने प्रिज्म से निकाला, प्रिज्म से निकाल के उसके सामने लेंस रख के फोकस किया एंड वी गॉट 7 different colors which are recognizable। क्या 7 से ज्यादा कलर नहीं होते, तो हमारा आंसर है होते। There may be 100 colors
अगर हम सबको अलग अलग करना शुरू करें। जैसे ग्रीन कलर, ग्रीन के 10 शेड होते हैं, आप सब देखते हो ग्रीन के शेड अलग अलग। वैसे ही ब्लू के इसमें 3 शेड हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ब्लू होते हैं। स्काई ब्लू इज डिफरेंट, नेवी ब्लू इज डिफरेंट, दिस दैट, ऑल कलर्स आर हियर। तो हमने क्या किया, येलो भी बहुत सारे होते हैं, ऑरेंज भी बहुत सारे होते हैं। तो हमने जो प्रिंसिपल कलर्स थे उसका ग्रुप ले लिया और उसको एक नाम दे दिया, ठीक है। जैसे येलो और ग्रीन दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं, सो वी मेक देम टू कलर्स। लेकिन येलो टू ग्रीन जब इसके स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं, तो येलो धीरे धीरे ग्रीन बनता जाता है, उस येलो में ग्रीनिश बढ़ता जाता है और इधर आके वो ज्यादा ग्रीन हो गया, ये वाला ज्यादा येलो है। सो देयर इज ए कंटिन्यूअस चेंज, ऐसा बीच में लाइन नहीं होती। सो देयर इज ए कंटिन्यूअस चेंज इन दैट, एक जगह पर हम ब्राइट येलो को देखते हैं, फिर ये येलो कम होते जाता है और ग्रीनिश होते जाता है, यहां आके फुल ग्रीन हो गया। तो हमने देखा क्लियर कट, हम उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर बीच वालों के नाम हमने रखना शुरू कर दिए, वो आप लोग ज्यादा जानते हो कलर्स, मुझे नहीं मालूम। जैसे एक बड़ा सुंदर कलर आपने पसंद किया, पिंक। अब पिंक हमारे इसमें नहीं है स्पेक्ट्रम में, तो हम लोग उसको कॉम्बिनेशन करके बनाते। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा स्पेक्ट्रम में नहीं है, स्पेक्ट्रम में सब कलर, ऑल कलर्स आर इन द स्पेक्ट्रम, बट पिंक डज नॉट मेक वाइड इनफ। तो इसीलिए हमने पिंक को सेपरेट कलर नहीं रखा। ऐसे ही आपने कलर बनाया मैजेंटा, मेरे को आज तक नहीं मालूम मैजेंटा क्या होता है, पर मैं सुनता हूं होता है कुछ। एनीवे, सो आई बिलीव वो भी स्पेक्ट्रम में कहीं पर आता है। एनीवे, हमने जो प्रिंसिपल्स ऐसे कलर थे जो एंटायरली डिफरेंट होते हैं उसका ग्रुप बना लिया, एंड दैट गिव्स अस 7 डिफरेंट कैटेगरीज। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, और इनफैक्ट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स। उसके ग्रुप बनाएंगे तो 7 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। सो फिर से इस पर आते हैं, व्हाट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज एंगल डेवलप्ड इन द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, दिस इज डिस्पर्शन। द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स बिकम डिफरेंट व्हेन द लाइट पास थ्रू प्रिज्म, दैट इज डिस्पर्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन एक लाइन में लिख लेते हैं, व्हाट इज डिस्पर्शन फिनोमेना। ए लाइट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रेवलिंग इन पैरेलल डायरेक्शन पास थ्रू ए प्रिज्म, देन देयर डायरेक्शन बिकम डिफरेंट, देन देयर डायरेक्शंस बिकम डिफरेंट एंड एन एंगल इज डेवलप्ड बिटवीन देम, दिस फिनोमेना इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर इसका डायग्राम हमने बड़ा सिंपल बना दिया, ये दिस इज पैरेलल रेड एंड वायलेट, ये इसमें से ऐसे जाएंगे और यहीं से ये सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे, रेड एंड वायलेट। ओके, दीज कलर्स These colors are divided into 7 types, 7 main types, क्योंकि होंगे तो बहुत सारे, इसमें से हमने 7 main color लिए, और ये 7 main color ये आपको मालूम है, we will call them vibgyor, violet, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? रीजन,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज 2 different for 2 different colors. Refractive index of one medium is different for different colors. Therefore, deviation is different. And what we have found that mu for red is less and mu for violet is more. Therefore, deviation for violet is more than deviation for red. ये हमारे नोट्स हो गए इसके एंड व्हाट वी सी हियर इज दिस वी विल टर्म एज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड एंड दिस वी विल टर्म एज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट. ठीक है, ओके. यहां पर इनके बीच का एंगल कितना है? 0. और यहां पर इनके बीच का एंगल कितना है? ये चीज आपको समझनी है कि ये यहां से ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रही. ये रेड की डायरेक्शन है और ये वाली वायलेट की डायरेक्शन है. एंड पहले और रेड और वायलेट पैरेलल थी, बीच का एंगल 0 था. अभी ये 0 नहीं है. नाउ दिस एंगल हैज डेवलप्ड इन इट इन द डिफरेंट डायरेक्शन. दिस इज एंगल ऑफ डिस्पर्शन. ओके, सो वी विल मेक इट क्लियर व्हाट इज एंगल ऑफ डिस्पर्शन. सो एंगल ऑफ डिस्पर्शन अब ये वाला एंगल कितना होगा? दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिस्पर्शन. ये डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज द एंगल ऑफ डिस्पर्शन. ओके, एंगल ऑफ डिस्पर्शन किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है एंगल ऑफ डिस्पर्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है. किस तरह से डिपेंड करता है? सो वी कैन चेंज इट इनटू द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. डेविएशन डेल्टा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखिए. प्रिज्म के टॉपिक में जब हमने इसको किया तो डेल्टा और म्यू, इसका क्या रिलेशन आया था? डू रिमेंबर? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. ठीक है, सो दिस वी कैन राइट एज एंगल ऑफ डिस्पर्शन म्यू फॉर वायलेट माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस म्यू फॉर रेड माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म. ये अब दिस इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म. दिस इज एंगल ऑफ डिस्पर्शन. तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन किस किस पर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म. जितना एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा होगा उतना डिस्पर्शन ज्यादा होगा. नंबर 1. नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अब आप ये बता सकते हैं कि फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास दोनों में से कौन ज्यादा डिस्पर्स करेगा? तो आंसर है क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज लेस और फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर. तो कौन ज्यादा डिस्पर्स करेगा? क्राउन ग्लास. ठीक है, उसी तरह से इफ यू हैव ए प्रिज्म ऑफ द एंगल 20 degree एंड अनदर प्रिज्म ऑफ द एंगल 30 degree, विच विल डिस्पर्स मोर? विच हैज गॉट 30 degree लार्जर एंगल.
So this is angle of dispersion formula, right? Now this angle of dispersion changes from prism to prism because A is angle of prism. For different prism it may be different. And now we see another property in dispersion, and that is power. Power of dispersion. Ye power of dispersion is a comparative thing. कैसे comparative thing? कि अगर हम एक red कम deviate होता है और violet ज्यादा deviate होता है, उनका हमने mean deviation ले लिया, ठीक है, और उससे अगर हम compare करेंगे, एक मटेरियल हमने रखा फ्लिंट ग्लास और डिस्पर्शन का एंगल देखा, दूसरा मटेरियल रखा क्राउन ग्लास फिर डिस्पर्शन का एंगल देखा, तो हमने क्या देखा कि डिस्पर्शन का एंगल दोनों में डिफरेंट है, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है? तो अगर हम उसकी मीन रे लेते हैं तो मीन रे से दोनों का डिफरेंस देखते हैं। जैसे आपने एक फिनोमिना पढ़ा है एरर्स का क्लास 11th में, देयर इज वन एरर नोन एज एब्सोल्यूट एरर एंड देयर इज अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एरर दैट इज रिलेटिव एरर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, रिलेटिव एरर में हम किससे कंपेयर करते हैं? टोटल साइज से। तो डेविएशन पावर में, डिस्पर्सिंग पावर में हम टोटल डेविएशन से कंपेयर करेंगे, तब बताएंगे कि इस मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर कम है कि ज्यादा है। तो इसको हम फॉर्मुलेट करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं, अभी भी हमारी बात ज्यादा क्लियर नहीं है। तो इसको हम इस तरह से कहेंगे, पावर ऑफ डिस्पर्शन इज इक्वल टू, पावर ऑफ डिस्पर्शन हमने बनाया ओमेगा, दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन एंगल, ये डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। डिस्पर्शन एंगल क्या होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में है? इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में है, डेल्टा वी और डेल्टा आर। इसको हम कंपेयर करेंगे मीन डेविएशन से, मीन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर। अब अगर हम इसमें म्यू की वैल्यूज रखें तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और ये जो म्यू मीन है ये हम कहां से लाएंगे? तो मीन के लिए हम सब ने फैसला किया कि जो दोनों के डेविएशन होते हैं उसमें मीन डेविएशन येलो का होता है, मीन वैल्यू किसकी होती है? येलो की। तो येलो के डेविएशन को हमेशा मीन डेविएशन लेना है, ठीक है। तो जब भी हमको वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो कौन सा लेंगे? येलो का डेविएशन। इसी तरह से अब हमारे सामने एक समस्या हो गई कि प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, उसकी वैल्यू हम क्या कहेंगे? जैसे हमने ग्लास लिया तो ग्लास में हम क्या देखते हैं कि येलो के लिए उसका म्यू डिफरेंट है, रेड के लिए डिफरेंट है, वायलेट के लिए डिफरेंट है। तो मीन म्यू की वैल्यू किसकी ली जाएगी? तो आंसर है येलो की। तो मीन डेविएशन किसका लेना है? येलो का। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका लेना है? येलो का। सो दिस वी विल राइट एज म्यू फॉर येलो माइनस वन इंटू ए, दोनों में ए कैंसल हो गया, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू येलो माइनस वन।
म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस वन, ये हमको क्या देता है? डिस्पर्सिव पावर। अब इस डिस्पर्सिव पावर में आप देखिए ए इज एब्सेंट, ए कैंसिल हो गया। अब अगर ए नहीं है देन व्हाट डज इट मीन? ए इज प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म। हमने एक क्राउन ग्लास लिया, एक ए बनाया 20, दूसरा 30, तीसरा 40। एक बनाया हमने 20, 30, 40, तीनों का एंगल ऑफ डिस्पर्शन कैसा हो जाएगा? डिफरेंट। फिर से क्राउन ग्लास लिया, उसका ए 20, 30, 40, तीनों की पावर बताइए। तो पावर में ए नहीं है तो इसका मतलब तीनों की पावर क्या आएगी? सेम। और तीनों में क्या चीज सेम है? क्राउन ग्लास। तो पावर ऑफ डिस्पर्शन किसकी प्रॉपर्टी हो गई? मटेरियल की, प्रिज्म की नहीं, क्योंकि प्रिज्म की प्रॉपर्टी ए थी। जब हमने ए को चेंज किया तो पावर में कोई चेंज नहीं हुआ। किसमें चेंज हुआ? एंगल ऑफ डिस्पर्शन। सो प्रिज्म टू प्रिज्म एंगल ऑफ डिस्पर्शन चेंज होगा, मटेरियल टू मटेरियल पावर ऑफ डिस्पर्शन चेंज होगी। समझ आया? सो दिस इज पावर ऑफ डिस्पर्शन, और इसमें हमने नोट कर लिया इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिज्म। देयरफोर इट इज ए property of material of prism, ठीक है? ओके, एक छोटी सी चीज और हम नोट करना चाहते हैं, उसको मैं यहां थोड़ा सा टेबुलेट कर देता हूं। अभी हमने बोला डिफरेंट कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन अलग अलग होते हैं, उसके लिए एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, विल राइट दैट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कलर तीन प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे, एक इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, दूसरा क्राउन ग्लास के लिए और फ्लिंट ग्लास के लिए। क्राउन ग्लास म्यू, फ्लिंट ग्लास म्यू। तो हमने लिया कलर पहले वायलेट, वायलेट की वेवलेंथ है 396.9, ये विजिबल लाइट की सबसे छोटी वेवलेंथ। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 400 याद रखते हैं, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू। और जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाएगी दैट इज ब्लू, येलो और लास्ट में रेड, ये चार सैंपल हमने लिए। तो रेड हमको मिलती है 656.3। ये देखिए, इससे इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, 1.5 times है करीब करीब। ओके, तो ब्लू की है 486 और येलो की है 589। अब जब ये क्राउन ग्लास में एंटर करते हैं तो क्राउन ग्लास वायलेट को उसके लिए म्यू शो करता है 1.533 साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू, और रेड के लिए 1.515। तो 1.5 तो कॉमन है, उसके बाद देखिए 3.3 और ये 1.5, ये डिफरेंस है इसके म्यू का, ठीक है? और बाकी दोनों के लिए इसके बीच में आएगा 1.523 एंड 1.517। इस तरह से डिफरेंट कलर के लिए साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब हम लेते हैं फ्लिंट ग्लास के लिए, फ्लिंट ग्लास के लिए वायलेट 1.663 और ये होता है 1.662।
नौ सिक्स टू 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 टू, इसमें भी आप देखिए 1.6 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 63 और ये 22. सो मच इज द डिफरेंस. और इससे ये पता लगता है एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल विल बिहेव इन द सेम वे, दैट इज हर कोई रेड वायलेट के लिए म्यू ज्यादा शो करता है और रेड के लिए कम शो करता है. वेदर इट इज क्राउन, वेदर इट इज फ्लिंट, वेदर इट इज डायमंड, वेदर इट इज वाटर, वेदर इट इज ग्लिसरीन, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा दे विल शो लाइक दिस. ओके, सो लेट्स कंप्लीट द चार्ट. दिस इज 1.639 एंड दिस इज 1.627. सो दिस गिव्स ए रफ आइडिया कि म्यू का चेंज बहुत छोटा सा होता है, लेकिन होता है. ठीक है, डिफरेंट कलर्स को हमने करके देखा. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्पर्शन. ये डिस्पर्शन हमको कहां दिखता है नेचर में? एक चीज हम समझ रहे हैं कि नेचर में जहां कहीं भी हमको कलर दिखता है वहां पर क्या हुआ होगा. सन से व्हाइट लाइट आती है, अगर हमको कलर दिखता है तो इसका मतलब बाकी जो कलर्स हैं उसकी लाइट कहीं चली गई, कहीं एब्जॉर्ब हो गई या किसी दूसरी तरफ बेंड हो गई, हमारी आंख में नहीं आ रही और उसमें पार्शियल ही आ रही है. जैसे अगर मुझे ब्लू दिख रहा है मतलब मेरी आंख में कौन सी लाइट नहीं आ रही, रेड नहीं आ रही, और अगर रेड दिख रहा है मतलब ब्लू नहीं आ रही लाइट. That is how we see the colors. और कलर के लिए हम सब ने एक फिनोमिना देखा है नेचर में, एंड दैट इज रेनबो. रेनबो इज अ ब्यूटिफुल फिनोमिना और रेनबो में हमको सब तरह के कलर्स दिखते हैं. अब रेनबो में जो रेनबो कैसे बनता है, कलर्स कहाँ से आते हैं, उसके अंदर अपना कोई सोर्स नहीं है. अगर उसके अंदर अपना सोर्स नहीं है तो हमने स्टडी किया कि वो सन की लाइट से ही बनता है. अगर सन की लाइट से बनता है तो कैसे उसके कलर अलग अलग दिखते हैं, और उसका आंसर हमने यहां देखा है. कलर सेपरेट कब होते हैं? व्हेन देयर इज रिफ्रेक्शन फ्रॉम टू सर्फेसेस एंड दीज टू सर्फेसेस आर नॉट पैरेलल देन देयर विल बी डिस्पर्शन. जितना एंगल होगा उतना कम या ज्यादा होगा, बट व्हाट इज द बेसिक कंडीशन? देयर हैज टू बी वन मीडियम और उस मीडियम की दोनों सरफेस नॉन पैरेलल होनी चाहिए, देन देयर इज ए चांस ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है, रेनबो में हमको डिफरेंट कलर्स दिखते हैं सनलाइट के, तो वहां पर क्या ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, और अगर होती है तो किस एंगल पर होती है, दैट वी हैव स्टडीड. रेनबो इज ए ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. उसमें दो तीन चीजें, दो तीन फिनोमिना इकट्ठे होते हैं, एंड ऑल दीज फिनोमिनास we can study. There is refraction, there is total internal reflection, there is dispersion. ये तीन phenomena, और बाद में जाके आप एक और phenomena पढ़ेंगे polarization, there is polarization also. चार phenomena हमको rainbow में study करने के लिए मिलते हैं, and that is a beautiful thing to study.